This program is brought to you by the Indian Funkar Show. नमस्कार, मैं शालिनी नायर, पेशे से बैंकर हूँ। मेरा जन्म केरल में हुआ था, लेकिन पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सब गुजरात में हुआ। 2002 में शादी होकर कच्छ गई और उसके बाद वहाँ मैंने टीचिंग प्रोफेशन लिया। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड की जॉब सूरत में लगी, तो उनके साथ यहाँ पे आ गई 2007 में। 2009 से बैंक में लग गई, बैंक में जॉब करती हूँ। मेरे दो बच्चे हैं। लिखने का शौक 3-4 साल से जागा है। पहले से हिंदी की तरफ मेरा झुकाव रहा है। हिंदी मुझे बहुत अच्छी लगती है, भाषा एकदम सरल लगती है, और लिखने का शौक 3-4 साल से हुआ है। तो कभी कभार लिख लेती थी, अपने दोस्तों को दिखाती थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, थोड़ा पॉलिश करो, थोड़ा वो करो, तो हो सकता है आगे। लिखते गए, पॉलिश करते गए, दूसरे सब करते गए, और आज भी लिखती हूँ। और अपने फ्रेंड्स के सुझाव के अनुसार मैं हर एक चीज़ को पॉलिश करती रहती हूँ और ट्राई करती हूँ कि थोड़ा बेहतर और करूँ। और इन सब इस सफ़र में मेरा पूरा योगदान दिया मेरे पति, मेरे माँ बाप, मेरे भाई, और सबसे ज़्यादा मेरे दोस्तों ने, और उसमें से ख़ास करके मेरी दोस्त रूपा मेनन। और यहाँ पे मुझे लाने के लिए भी उसी ने मुझे एनकरेज किया कि तुम आके बोलो। और अभिषेक गर्शर जी को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि एकदम नई, क्या कहते हैं, कुछ न्यू कमर हूँ मैं, और मुझे यहाँ पे आके उन्होंने एक कविता प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने इजाज़त दी। मैं सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे जैसे कितने ही लोगों को उन्होंने चांस दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी वो सबको चांस देते ही रहेंगे। थैंक यू। कुछ मेरी कल्पना, कुछ हकीकत, तो पेश करती हूँ मेरी नई कविता। चेहरे पर किसी की उम्मीदों की झलक छोड़ आई हूँ, आंखों की चमक में भी कई हिसाब जोड़ आई हूँ। अपने हिस्से की खुशी का एक टुकड़ा चुरा कर आई हूँ, चंद सिक्कों में एक वक्त की भूख खरीद लाई हूँ। बड़ी नाजुक उम्र की कगार पर था वो नन्हा सौदागर, जिंदगी की हर बाजी को हंसकर मात देता था वो सच्चा बाजीगर। कंधों पर अपनों का और सर पर खुददारी का बोझ बड़ा था। उसके ठेले में एक कोने पर एक टूटा आईना पड़ा था। हैरान सी मैंने पूछा, ये टूटा आईना किस काम आता है? वो बोला हंसकर, यही तो मुझे हंसना सिखाता है। जब भी मैं इसमें खुद को देखता हूँ, हमेशा मुस्कुराता पाता हूँ, और इसे बरकरार कर रखने के लिए रोज नए ख्वाब सजाता हूँ। बेच रहा था वो ख्वाब या अपने जज्बात पता नहीं, पर उसकी मुस्कान के आगे कोई भी कीमत ज्यादा नहीं। धन्यवाद।